भारी बारिश के चलते नुकसानग्रस्त इलाके में आज सांसद बालू धानोरकर ने भेंट दी। पिछले सप्ताह भर से कई इलाकों में अच्छी बरसात हुई, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर रहे, जिससे इन इलाकों में बड़े पैमाने पर बाढ़ आने से खेती पानी के नीचे गई, सैकड़ों घर गिरे। आज सांसद बालू धानोरकर ने स्वयं इन इलाकों का निरीक्षण करते हुए राज्य शासन की ओर पांच पुरावा कर तत्काल नुकसान भरपाई दिए जाने का बताया। इस अवसर पर सांसद बालू धानोरकर ने प्रत्यक्ष किसानों के बांध पर जाकर खेती का निरीक्षण किया। इसी के साथ जिन घरों में पानी गया है उन घरों को भी भेंट दी। आज सांसद धानोरकर ने वनी तहसील के झूला, उखनी, मुकुटबंद, धरी तहसील के अड़े गाँव, हाथेरा पार्डी ब्रिज, इसी के साथ अन्य गाँव में भेंट दी। ग्रामस्थों की आस्था से पूछताछ की। इसमें पूर्व विधायक वामन राव कासावा, तहसीलदार धुड़कर, वनी कांग्रेस तालुका अध्यक्ष प्रमोद वासेकर, कांग्रेस ज्येष्ठ नेते देवीदास काड़े, झरी कांग्रेस तालुका अध्यक्ष आशीष कुलसंगे, प्रवीण काकड़े, पुरुषोत्तम आवारी सुनील बरारकर, वंदना आवारी, संध्या बोढ़े दगड़ी, तेलराज बोढ़े, संजय खाड़े, संजय सपाट इनकी उपस्थिति थी। किसानों को आधार देने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ओला दुष्काल जाहिर करने की लोकहितकारी मांग सांसद बालू धानोरकर ने की है। वनी तहसील के बड़ी संख्या में विद्यार्थी डीएवी स्कूल में शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन यह स्कूल अब बेकोली घुघुस में स्थलांतरित करेंगे, जिससे वनी तहसील के विद्यार्थियों को घुघुस में शिक्षा लेना मुश्किल हुआ है। आज पालकों ने सांसद बालू धानोरकर इनकी भेंट लेकर यह स्कूल निलजई में लेने की मांग की। इस बारे में बेकोली के सीएमडी इनसे चर्चा कर योग्य हल निकाले जाने का सांसद बालू धानोरकर ने बताया।